Hello guys, so welcome back to my channel. In today's video I'm going to talk about the honest review about Helena Casseit and the best Helena Casseit ever I have found. So let's go started this video to share my experience with you guys. Being an oily skin is very difficult for me to get a good serum, which is the hyaluronic serum. I was looking for the long time a good hyaluronic serum which is very natural, and my search has ended at Himalayan organic hyaluronic acid, and which is really good. It is not only contain hyaluronic acid, it has also vitamin C and vitamin E. It has a really very runny consistency. The best thing is that it's very light, and after applying you will not feel anything you have applied on your face. आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कुछ भी आपके स्किन पे अप्लाई किए हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है. बिल्कुल भी मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि ये बिल्कुल भी ओवरनाइट आपको कुछ मैजिकली काम नहीं करेगा, बिकॉज ये नेचुरल थिंग है. एनी गुड थिंग्स इफ यू आर अप्लाइंग, इफ यू आर यूजिंग, सो इट टेक्स इट्स ओन टाइम. तो आपको वेट करना है, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 to 2 months टू विजिबल रिजल्ट. तो इसमें क्या है, ये बहुत ही रनी कंसिस्टेंस है जो कि आपको स्किन पे बैठ जाएगा एंड डीपली आपकी स्किन पे पेनिट्रेट हो जाता है. वो बहुत अच्छा चीज़ है, एंड ये आपकी जो स्किन को एटलीस्ट 10 to 16 hours आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेट करके रखता है. ये इसका गुड थिंग्स है. एंड इसमें पैराबेन नहीं है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है, और ऑल द नेचुरल थिंग्स इसमें हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत ही एसेंशियली है, हमारे स्किन के लिए रिक्वायर्ड है. इसमें वो सारी चीज़ें हेलेनिक एसिड आपकी जो रिंकल्स है, फाइन लाइन से उसको रिड्यूस करके रखता है, एंड डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट में फाइट करता है. आफ्टर अप्लाइंग इट यू विल गेट इंस्टेंट स्मूथनेस. अभी आते हैं कि विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ब्राइटनेस पे ज़्यादा काम करता है, एंड जो कि आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसमें काम कर लेता है. अभी आते हैं कि विटामिन ई के बारे में क्या बताऊँ कि इट इज़ एक्सलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट भी है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है. विटामिन सी, विटामिन ई एंड हाइलनिक एसिड. आपके अगर एज बढ़ते जा रहा है तो इसको आप 25 and 30 में आपको स्किन ट्रीटमेंट एंड स्किन केयर कर देना शुरू करना चाहिए. टीनेजर के लिए मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि उनका तो नेचुरली उनका हाइलनिक एसिड उनके बॉडी में सिक्रेशन होते जाएगा. बट आप जैसे ही एज बढ़ते जा रहा है तो आपको स्किन केयर करना चाहिए, ताकि आपकी जो रिंकल्स आ रहा है एंड फाइन लाइन्स आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छे से काम कर लेता है, एंड साथ ही साथ ये आपके मॉइस्चराइज करके रखता है. तो अभी आते हैं कि हम लोग इसे कैसे यूज करेंगे. बिल्कुल मैं इसको नाइट में यूज कर लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है नाइट में यूज करने के लिए. हाँ, पहले इसका मैं प्राइस बता देती हूँ. इसका प्राइस है, मुझे कुछ ऑफर में मिल गया था, इसका प्राइस इधर है 2195. ये 2195 है, देख सकते हो 2195. बट मैं इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, मुझे इसका पैकेज जो जैसे ऑर्डर होके आया था दे डिलीवर्ड मी वेरी क्विकली, बट इसका जो पैकेजिंग था मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं इसको थ्रो आउट कर दी थी. इसको ही मैं रखी हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो ऐसे टर्न्ड होके आया था, टूट गया था. बट मुझे लगा था कि ठीक है, ये लोग कुछ तो डुप्लीकेट सेल कर रहे हैं. बट इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली इट्स वर्किंग. और नेचुरल इसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छा है. इट्स वेरी लाइट वेट एंड केमिकल फ्री. फ्रेगरेंस इज ऑल्सो वेरी गुड, लाइक फ्लोरल. इट्स रनी कंसिस्टेंसी, इट्स रिड्यूसेस योर फाइन लाइन्स, रिंकल्स. आप इसमें बहुत अच्छे से काम कर लेता है, इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है. आपको विजुअल रिजल्ट दिखेगा अगर आपको 1 to 2 months वेट कर दें तो. ओवरनाइट आपको तो नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी आपको रखना है. अगर कंसिस्टेंटली आप यूज करते हैं तो आपको विजुअल रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा. एवरीथिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट, एवरीथिंग इन इट. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट की थी मुझे इसका क्या बताऊँ, मैं कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस. ये आपको दिमाग से निकाल देना है कि मैं स्पॉन्सर्ड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ.
मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है, प्यूरिफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है, और जो जो ऊपर ऊपर दिख रहा है मैं उसको रीड कर रही हूँ, और विटामिन ए भी है, और एलोवेरा ऑयल ऐसा कुछ है, और बाकी कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो आउटर पैकेजिंग उसमें लिखा था तो मैं फेंक दी हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि एक चीज़ है, बेबी का स्किन कितना सॉफ्ट होता है आपको पता है, क्योंकि उनमें नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो उनको नेचुरली ज़रूरत नहीं है, तो हमें वही स्किन पाने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो अभी बात करते हैं हाउ टू अप्लाई इट। यू नो नीड टू, यू जस्ट नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट एंड यू नीड टू अप्लाई ऑन योर ओवरऑल योर फेस। एंड आपको उससे पहले आपको फेस को क्लींस कर देना है एक ऑयल फ्री क्लींजर से, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके जब भी अप्लाई करोगे तो आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट दिखेगा, इंस्टेंटली आपको ग्लो दिखेगा, लगेगा आपकी स्किन पे कुछ तो आप अप्लाई किए हो, बहुत सॉफ्टनेस फील होता है। एंड उसके बाद आप अप्रोप्रिएट मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हो, लगा सकते हो इसके लक करने के लिए। और बाकी आप नाइट में यूज करो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डे में यूज करोगे तो आपको बाहर जाना रहेगा या तो किधर भी जाना रहेगा, तो डे में रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, डे में यूज़ करो बोल के, नाइट में अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छा है। तो आपको एक डार्क प्लेस में या तो आपको कपबोर्ड में स्टोर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम कर लेता है। तो अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि इसका मैं कैसे यूज करती हूँ। मैं पहले फेस वॉश करके आ जाती हूँ, तभी आपको दिखाऊंगी कि मेरा इसका इसके साथ क्या बेनिफिट है एंड मैं कैसे यूज करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी हर चीज़। बट ये 2195 है, बट मुझे कुछ ऑफ़र में मिल गया था, 815 में मिल गया था इसका प्राइस, मुझे कुछ 59% ऑफ था, 815 में मुझे मिल गया था। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंस तो होगा ही, अगर आपको कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है एंड आपके स्किन के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए, कोई भी लो प्राइस का एंड लो प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों के लिए। प्राइस थोड़ा होगा, एक्सपेंसिव थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आप कर सकते हो, अगर आप आपके स्किन को लव करते हो तो, जब भी आपका स्किन को आप खुद लव करना स्टार्ट कर दोगे ना, अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे जैसे कि मैं की हूँ। और ये हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा है, आपके हाइड्रेट करके रखता है, आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स को ज़्यादा काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, तो ये बहुत अच्छे खासे है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द सीरम एंड ये बहुत अच्छे से काम कर लेगा, आई थिंक सो। इट ऑब्जर्व वेरी क्विकली वेन यू अप्लाइंग, आफ्टर अप्लाइंग आई एम जस्ट रियली सेटिस्फाइड विथ इट एंड क्विकली ऑब्जर्विंग एंड लव एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट रियली इट्स हेल्पिंग लॉट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एंड इट सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये तो चलिए आज की वीडियो इतना ही है, एंड आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, तो मुझे आप पूछ सकते हो। देन आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक विद द सेम चैनल। देन बाय बाय एंड एन्जॉय दिस वीडियो। सो लव यू ऑल।